ओम शांति। आइए आज मम्मा बाबा की साकार पालना में पली बड़ी यज्ञ की आदि रत्न हम सबकी स्नेही आदरणीय गंगे दादी जी के जीवन की कुछ प्रेरणास्पद एवं अविस्मरणीय बातें सुनते हैं। आप पतित पावनी ज्ञान गंगा, सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा, सदा ड्रामा पर अडिग हो, हल्के रह सेवा करने वाली शक्तिशाली आत्मा, बाबा द्वारा विघ्न विनाशक का टाइटल प्राप्त की हुई विशेष कृष्ण की गोपी आत्मा है। गंगे दादी का जन्म 1926 में हैदराबाद सिंध के एक संपन्न धार्मिक परिवार में हुआ था। धार्मिक परिवार होने के कारण बाल्यकाल से ही आपको भक्ति का शौक था। आप जब भी भागवत में कृष्ण और गोपियों का प्रसंग पढ़ती तो आपको संकल्प उठता कि काश आप भी गोपी होती। आपका लौकिक नाम गंगा था, बाबा आपको गंगे कहकर बुलाते थे और आपका अलौकिक नाम आत्म इंद्रा था। आप 12 वर्ष की आयु में पहली बार कमल सुंदरी बहन के साथ ओम मंडली में आई थी। वहां ओम ध्वनि सुनते सुनते आप ध्यान मग्न हो गई और आपको बहुत सुंदर श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। ओम मंडली के शुद्ध वातावरण में जाने से आपको शांति और खुशी की अनुभूति हुई। माता पिता की स्वीकृति से आपने बाबा द्वारा बच्चों के लिए खोले गए बोर्डिंग में दाखिला लिया था। वहां आपको अंग्रेजी, हिंदी और गणित आदि सिखाया जाता था। आप पढ़ाई में बहुत होशियार थी। ज्ञान व पवित्रता की धारणा की बात पर अनेक माताओं बहनों के संबंधियों का विरोध होता था। आप पर भी बंधन डाले गए और आपको घर में कैद कर दिया गया। झाड़ फूंक कर जादू उतारने की कोशिश की गई, अनेक सितम ढाए गए। जितना आप पर अत्याचार होता उतना आपका परमात्मा पर दृढ़ निश्चय बढ़ता गया और दुनिया व दुनिया के लोगों से वैराग्य आता गया। आप खुशी खुशी सब सहन कर लेती थी। आपके लौकिक परिवार वालों ने आपको विवाह के बंधन में बांधने का सोचा, परंतु आप तो गिरधर की मीरा बन चुकी थी, अतः आपने विकारी शादी से इनकार कर दिया। तो आपको जंजीरों से बांधकर भूखे प्यासे अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। आप उस बंधन में विरह वेदना में डूबी, देह की सुध-बुध भूल गई और आपको कृष्ण की सुंदर मूरत का दीदार हुआ और आपको सूक्ष्म आवाज आई, आपके बंधन जल्दी कट जाएंगे, घबराओ नहीं। आपका शरीर भोजन ना मिलने पर दुर्बल होता गया, परंतु आत्मिक शक्ति का विशेष अनुभव होता रहा। करीब 2 मास तक ऐसा चलता रहा। बीच बीच में ओम मंडली की बहनें, दादी प्रकाशमणि आदि आपसे मिलने आते रहते थे और कभी बाबा की चिट्ठी, कभी ज्ञान के पॉइंट सुनाकर जाती थी। उसी समय विदेश से आपकी बहन का आना हुआ, जिसे आपकी स्थिति देख अत्यंत दुख हुआ
और वे आपको बंधन से मुक्त कराकर अपने घर ले गई। फिर बाद में लोहे के व्यापारी शिव रतन मोटा, जिनका लोगों और सरकार के बीच बहुत सम्मान था, ने ओम मंडली की गतिविधियों की जांच पड़ताल कर फैसला दिया कि ये सच्ची देवियां हैं, इन्हें ना रोका जाए, ये जन कल्याण अर्थ निमित्त हैं। तत्पश्चात सबके माता पिता ने सहर्ष स्वीकृति दी और आप भी पुनः यज्ञ में लौट आई। 2 साल के संघर्ष के बाद आप बंधन मुक्त बनी। इस बीच समय समय पर आप वेश बदलकर सत्संग में जाया करती थी। आप लोगों की सुरक्षा हेतु सिविल राइट्स के समय मिलिट्री सहयोग देती थी, इसलिए अगर शहर में कभी कोई घमसान होता तो भी आप लोग सदा सुरक्षित रहते थे। बाबा हमेशा कहते थे, चैरिटी बिगिंस एट होम। एक बार बाबा ने आपको अपने लौकिक माता पिता को यज्ञ में लाने को कहा। काफ़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद, कई बार राजी करने पर एक बार वे आपके साथ ओम मंडली में 1 सप्ताह के लिए आए। वहाँ की आपकी उच्च जीवन शैली और अलौकिक दिनचर्या देख आपकी लौकिक माँ बहुत प्रभावित हुई और उन्हें अपने किए पर अफसोस हुआ। बाबा की आप पर विशेष दृष्टि थी। बाबा आपको भाषण लिखकर देते थे और सभा में सुनाने को कहते थे। बाबा सदैव आपको विशेष पाठधारी के रूप में देखते थे। बाबा ने सदा आपको आगे बढ़ाया और वे आपका भविष्य जानते थे, इसलिए उसी अनुरूप आपको प्रशिक्षित किया, हर बात में प्रवीण बनाया और विशेष सेवाओं में भी भेजा। बाबा का आपको वरदान था कि आप विद्वानों, आचार्यों आदि को पावन बनाएंगे। आपका ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने और सबका कल्याण करने का विशेष पाठ रहा। आपने अनेक ऋषि मुनियों, साधु संन्यासियों को ज्ञान अमृत पिलाया। रिश्तेदारों की सेवा हेतु आप पहले बाहर निकले। आपने मनोहर इंदिरा दादी के साथ अनेक सेवाएं दी। बाबा आप दोनों को हर गंगे कहकर बुलाते थे। बाबा की आज्ञा अनुसार आपने मनोहर इंदिरा दादी के साथ दिल्ली में 26 जनवरी के पब्लिक प्रोग्राम में चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी द्वारा आयोजित वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस आदि में प्रवचन किया। आपने कोलकाता, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर आदि स्थानों पर भी अपनी सेवाएं दी। 1954 में कुंभ मेले के बाद आपको कानपुर से 1 हफ्ते का निमंत्रण मिला। ये पहला सेवा केंद्र था जिसे बाबा ने अपनी प्रेरणा से खुलवाया था। आप लंबे काल तक कानपुर में रहकर सेवाओं का विस्तार कर अनेक सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी। मम्मा बाबा भी समय समय पर कानपुर लंबी अवधि के लिए आते रहते थे। आप यूपी जोन की जोनल इंचार्ज थी। सन 1991 में ईश्वरीय सेवा अर्थ आपका लंदन, अमेरिका आदि स्थानों पर भी जाना हुआ।
आप धार्मिक विभाग की भी अध्यक्षा रही। आपने कई छोटी बड़ी समस्याओं का सामना किया। 1984 में आपके सेवा केंद्र पर भी आग लगा दी थी, परंतु बाबा की मदद और पुलिस के समय पर सहयोग से आप बहनें सुरक्षित बाहर निकल आए थे। आप कभी किसी का अवगुण चित पर रख व्यवहार नहीं करती थी, कभी किसी को दोषी नहीं ठहराती थी, सदा सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखती थी। आप हर परिस्थिति में सदा अचल अडोल निश्चय बुद्धि रहते थे। आपका विशेष अटेंशन बाप समान बनने का रहता था। आप 8 अक्टूबर 2004 को अपना पुराना भौतिक देह त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बनी। सदा सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने वाली, सरल एवं शांत स्वभाव वाली, न्यारी प्यारी, सदा ईश्वरीय छत्र छाया में रहने वाली, निश्चय बुद्धि, निडर, बाबा से अटूट प्यार, सरल चित, सर्व संबंधों की अनुभवी, यज्ञ निष्ठ, सर्वस्नेही गंगे दादी को उनके पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्य, त्याग, तपस्या और अथक सेवा, सरल एवं निर्माण चित्त स्वभाव, अटूट ईश्वरीय प्रेम, सदा निश्चय बुद्धि, कर्म योगी, नेचुरल योगी, संतुष्टता और सहनशीलता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।